I'm the pioneer of the nail अच्छा, industry. Gel nail color में और simple nail color में क्या फर्क होता है, क्या difference है? जो acrylic nails हैं वो तो 3 to 6 months और जो gel color है वो 14 days का time देते हैं. तो मुझे बताएं कि minimum और maximum क्या prices हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, POV पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सबा इमरान. नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ द नेल बार बाय अनीशा और आज हम इनसे जानेंगे एक्रेलिक नेल्स के बारे में. तो आज चलते हैं और अनीशा से जानते हैं. नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद है अनीशा. अनीशा इज़ द फाउंडर ऑनर ऑफ द नेल बार. हम इनसे जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी और इनके एक्रेलिक नेल्स के बारे में भी जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक. अच्छा, मुझे अनीशा बताएं सबसे पहले कि एक्रेलिक नेल्स वो क्या होते हैं. एक्रेलिक नेल्स, वैसे आपने वो 10 साल पुरानी बात मुझे याद करा दी. तब लोगों को नहीं पता था, बहुत सारी दुनिया को यानी पाकिस्तान में नहीं पता था कि ये एक्रेलिक नेल्स क्या है. लोगों को लगता था ये स्टिक ऑन नेल्स ना, हम डिजाइन करके सेल कर रहे हैं. फिर मुझे बताना पड़ता था कि ये आपके इंडिविजुअल हाथों पे, उंगलियों पे हम एक्सटेंशंस रखते हैं, फिर उसका जेल की कोटिंग करते हैं. पूरे प्रोसीजर को 45 मिनट्स लगते हैं. फिर आपकी मर्जी की लेंथ होती है, शेप होती है, उसको एक्रेलिक नेल्स कहा जाता है. अच्छा, मतलब अच्छा, बेसिकली सो देयर आर्टिफिशियल नेल्स, लेकिन आपके हाथों पे आपके मतलब जो साइज है उस हिसाब से बनते हैं. अब ये एक्रेलिक नेल्स जो है ये 3 to 6 months लास्ट करते हैं. कोना एवरी 2 weeks से 4 weeks तक रिफिल्स लेने होते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट, उसकी अपनी कितनी ग्रोथ है नेचुरल, उसके साथ ये ग्रो आउट करते हैं. फिर अच्छा, पीछे से हम इनको रिफिल्स करते हैं. मुझे बताएं आपने कहाँ से सीखा? मैंने कनाडा से. और स्कूलिंग भी आपकी वहीं से जी. आपको कैसे अंदाजा हुआ कि आपने पाकिस्तान में ये स्टार्ट करना है? आप वहाँ पे भी तो स्टार्ट कर सकती थी ना? मजे का क्वेश्चन है. बिल्कुल ऐसे ही है. अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार लोग तो यू नो एजुकेशन लेके या कुछ करके वो बाहर ही रहना पसंद करते हैं. असल में मैं एज अ टीनेजर अपने हाई स्कूल में थी उधर ही कनाडा, तो मैं फैमिली के साथ विजिट कर रही थी. तो वहाँ पे एवरी यू नो स्मॉल शॉपिंग एरिया, एवरी अदर शॉप इज अ नेल प्लेस. तो जब मैं पाकिस्तान आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो नेल्स का कॉन्सेप्ट या नेल्स का ना बिल्कुल भी, जैसे नेल्स का कोई नेल सलोन नहीं था. मैं जब वापस गई तो अम्मी ने मुझसे पूछा, जैसे बेटियों को पूछते हैं कोई ऐसा समर कोर्स कर लो, तो मैंने कहा मैंने ये नेल सीखने. फिर जब मैंने ये नेल सीखे तो फॉर्चुनेटली हमारी सारी फैमिली, मेरे कुछ बड़े बहन भाइयों की शादियों के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हुए, अब नेल्स कराने थे अगेन, तो मुझे आते थे. फिर मैंने खैर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पीपल डोंट इवन हैव इट. किसी सैलून पे अवेलेबल नहीं था. वी चेक टॉप सैलून्स हियर, लेकिन लाहौर में तो एटलीस्ट उस टाइम नहीं था. वी मूव्ड बैक, मैं यूनिवर्सिटी भी जा रही थी, साथ मैंने घर पे ये भी स्टार्ट कर लिया. पाकिस्तान में. ठीक है. वी एज अ फैमिली मूव्ड बैक, तो यहाँ पे ये चीज नहीं थी और मुझे फ्री रहना नहीं था. कनाडा से पाकिस्तान आके ना कोई इतने फ्रेंड्स थे ना कुछ. फिर मैंने अपने घर से स्टार्ट लिया. अच्छा. और उस टाइम मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स वगैरह ने आना और वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह कॉन्सेप्ट और चीज इतनी अच्छी थी कि अवेयरनेस होती गई और मैं खुद कर रही थी. टाइम बढ़ता गया. तो देन इट टुक, कितना टाइम हो गया आपको ये स्टार्ट? ये 2004 की बात है, तो आप समझ लें ऑलमोस्ट 20 इयर्स. स्मॉल टीनेज. आपको आइडिया जब आया कि आपने पाकिस्तान में करना है और आपने लोगों में इस चीज की अवेयरनेस भी करनी है और कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो आपको लगता था इतना अच्छा रन कर जाएगा ये? देखिए 2004 से ना अब तो बहुत ईज है कि वी हैव सोशल मीडिया एंड वी कैन एक्सप्लेन अ लॉट, वी कैन टेल पीपल अ लॉट थ्रू, जैसे आप आ गई हैं या यू नो डिफरेंट चैनल्स पे. ऐसे ही इंस्टा देख रही थी और मुझे नेल बार, मैंने इससे पहले मुझे नहीं पता था. अच्छा, ठीक है. मैंने इंस्टा पे सर्च किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो फिर मैंने कॉन्टेक्ट किया. अच्छा, थैंक यू. डिफरेंट है. 10 साल लगे मुझे जस्ट टू क्रिएट दी अवेयरनेस के एक्रेलिक नेल्स क्या है एंड व्हाट वी आर सेलिंग. फिर आपको पता होगा कि वी नेवर हैड दिस कॉन्सेप्ट के एक सैलून होता है तो बस सैलून होता है, नेल सैलून क्यों. इसकी अवेयरनेस में मुझे बिल्कुल 10 साल लगे. सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता था व्हेन आई स्टार्टेड. इट टुक 10 इयर्स. लोगों को नहीं पता था. पीपल यूज टू थिंक कि हम नेल आर्ट वाली पिक्चर्स लगा के पोस्ट या फ्लायर्स या कुछ कर रहे हैं ना, तो हम कुछ डिजाइन नेल्स बेच रहे हैं. आई हैड टू टेल, आई हैड टू गो टू अ लॉट ऑफ चैनल्स, बहुत सारे शोज पर जाकर बताना कि ये एक्चुअली क्या चीज है जो नेल सैलून या नेल बार. आपका जो सैलून है वो किस तरह रन किया, लाइक वर्ड ऑफ माउथ से या मार्केटिंग से? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह
मिला वर्ड ऑफ माउथ. द सर्विस, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इस पर कभी इतने सालों में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ. जैसे नेल्स का सारा प्रोडक्ट कनाडा से आता है, तो वो आज अच्छा, भी वहीं से आ रहा है. पाकिस्तान से नहीं, नहीं और मिलता ही नहीं है यहाँ पे, अवेलेबल अच्छा, भी नहीं है सारा बाहर से कनाडा, क्योंकि मार्केट ही नहीं है ना. मार्केट इन द सेंस के और कोई सैलून्स नहीं कर रहे, तो खरीदेगा कौन. अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी थी कि पाकिस्तान में आप ये जिन्होंने एक्रिलिक नेल्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो वाकई में ऐसा है? जी, आई एम द पायनियर ऑफ द नेल इंडस्ट्री. अच्छा, और दूसरे कोई कंपेटिटर है मार्केट में? कोई खास नहीं, बिकॉज इसके लिए आपकी प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग है. दिस इज नॉट समथिंग के ना मुझे इसकी लेबर मिलती है, आई ट्रेन एवरी गर्ल माई सेल्फ. ये नहीं है कि मुझे इधर उधर सैलून से लड़कियों ने सीखा हुआ है, फेशियल्स जैसे होते हैं, आपने यू नो बॉडी सर्विस. I have to train my girls myself. अगर मैं एंड में आपको एक सक्सेस का कुछ बताती, तो मैं यही बताती जो हमारे फ्यूचर में कोई लड़कियां सैलून खोलना चाहें, तो आई वुड एडवाइस कि जो काम आपको खुद आता हो उसको करें. अच्छा, मुझे पता है कितनी ब्रांचेस हैं आपकी लाहौर में? लाहौर में 3 हैं और एक अभी हमने फैसलाबाद खोल लिया. मैंने सुना सेलिब्रिटीज भी आते हैं. जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग आते हैं. फीडबैक इज वेरी गुड. एक्चुअली हमें पंजाब साइड से स्पेशली, इवन मतलब हर शहर से डिमांड आ रही है अब तो, आफ्टर 20 इयर्स. अच्छा, अवेयरनेस हो गई ना. एंड लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस, अब पीपल वॉन्ट. जितनी ब्राइड्स होती हैं, पहले आपको पता है ब्राइडल्स का सिर्फ एक प्री ब्राइडल सर्विसेज और मेकअप बुक होता था, अब नेल्स भी 7 बुक होते हैं. और अच्छे भी लगते हैं हाथ ना. अब ये है कि इंशाल्लाह आगे आई विश के आई विल बी ओपनिंग इन डिफरेंट सिटीज इंशाल्लाह. अच्छा, मुझे एक्रेलिक नेल्स के बारे में बताएं कि कुछ लोग लगवाते ही नहीं है इसलिए कि नेल खराब हो जाएंगे. नेल खराब आपका बिल्कुल हो सकता है अगर आप अनट्रेन्ड जगह से करा रहे हैं, जहाँ पे टेक्नीशियंस जो कर रहे हैं वो ट्रेन ना हो, और प्लस अगर ऑब्वियसली इफ देयर नॉट ट्रेन्ड, उनको नॉलेज नहीं है जब हमने कितना नेल बेड को रफ करना है, तो व्हेन देयर नॉट ट्रेन्ड वो आपको बिल्कुल ही नेल प्लेट जो है डैमेज कर देंगे. या अगर आपने सही जगह से भी लगवाया लेकिन क्लाइंट ने, इफ देयर अ नेल बाइटर या किसी ऐसी जगह है जहाँ नेल सैलून नहीं जा पा रहे और वो अपने खुद ही कोशिश करके उतारने अच्छा. की कोशिश करें, देन यू डैमेजिंग. सो नंबर 1 इफ यू गोइंग टू एन अनट्रेन प्लेस, नंबर 2 अगर आप घर पे उतारने की कोशिश करें तो देन यू डैमेजिंग. वरना अगर आप इंटरनेशनली देखें तो लोगों ने 8-8, 10-10 साल से लगाए हो, तो लोगों को एक और भी कॉन्सेप्ट है कि मैं यार 1 साल से लगाए हुए मैं ब्रेक दे दूँ. सो दैट्स साइकोलॉजिकल ओनली. सो दिस इज समथिंग यू ऑल नीड टू नो कि इट्स साइकोलॉजिकल ओनली. मतलब हमारा एक डेड होता है नेल, तो इट डजंट रियली नीड अ ब्रेक, इट्स जस्ट योर साइकोलॉजिकल थिंकिंग कि मैं नेल्स को ब्रेक दे रही हूं. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे बताएं कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या प्राइसेस हैं? अच्छा, एक चीज और, अक्सर लोगों को लगता है कि शायद मतलब यू नो एक्रेलिक नेल्स महंगे होंगे. देखिए, एक तो इट्स अ 45 मिनट्स प्रोसीजर, तो इसमें सर्विस पे काउंट होती है टाइम ऑफ सर्विस एंड प्लस प्रोडक्ट. सिंस वी आर यूजिंग इंपोर्टेड प्रोडक्ट, तो यस हमारे एक्रेलिक 6000 से स्टार्ट होते हैं. 6000 से मिनिमम स्टार्ट होते हैं, मिनिमम. फिर वेरिएशंस हैं. मुझे ये भी बताएं टाइप्स कितनी है एक्रेलिक्स? हम लोग तो तकरीबन 8 से 9 कर रहे हैं इसमें. फिर ओम्ब्रे नेल्स हैं, फिर इसमें एक नेल्स हैं जिसमें एक्सटेंशन ही लगती है, हम जेल से आपकी ना लेंथ बनाते हैं. वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने ये देखा था. वो कैसे होता है? जो आपका एक्रेलिक पाउडर होता है ना, बेसिकली पाउडर फॉर्म, फिर एक लिक्विड से हम मिक्स करते हैं तो वो जेल फॉर्म बन जाता है. हम नॉर्मल एक्रेलिक में आपको एक एक्सटेंशन लगाते हैं, उसके ऊपर एक्रेलिक पाउडर रखते हैं. जो जेल वाले है ना, वो पूरा जेल से ही आपकी लेंथ बनती है. और वो सेफ होते हैं? हाँ, देयर ऑल सेफ. द प्रोसीजर्स आर सेम, मेथड्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं. तो कुछ लोग नहीं पसंद करते मुझे एक्सटेंशन नहीं लगा. कुछ लोग जैसे आपके, अगर मेरे अब नेचुरल नेल्स लंबे हों, तो कुछ लोग अपने नेचुरल नेल्स के ऊपर भी एक्रेलिक की कोटिंग करा लेते हैं, बिकॉज़ इट कीप्स इट सेफ, इट मेक्स देम यू नो ग्रो करते हैं, और आप स्पेशली नेल पॉलिश चिप होने की हेडेक से बच जाते हैं. जेल नेल कलर में और सिंपल नेल कलर में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम रोज लोगों को समझा रहे होते हैं. देखिए, एक नॉर्मल नेल पॉलिश जो मार्केट में आपको मिलती है वो नॉर्मल नेल पॉलिश है, और जो जेल कलर है ना, ये आपकी 3 लेयर्स में लगती है. एक यूवी लैम्प में ये सील होती है. यू कैन नॉट टेक दिस कलर ऑफ एट होम. अक्सर क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे पास इंटरनेट से, गूगल से डिजाइन सर्च करके आते हैं और वो कलर दिखाते हैं. फिर हम उनको बताते हैं, वो फोटोग्राफी के लिए भी जेल कलर लगाते हैं, जस्ट फॉर अ वेरी रिफाइंड लुक. वो जो कलर्स आप इंटरनेट पे लगे हुए देखते हैं विद अ वेरी फिन हाई ग्लॉस फिनिश, वो सब जेल कलर होता है इन द फोटोग्राफी ऑन द गूगल, क्योंकि वो ड्राई मुश्किल से होता है, जल्दी खराब हो जाता है. अब तो 1-2 साल से क्लाइंट्स खुद भी जेलिश कलर प्रेफर करें, बिकॉज इट्स हैसल फ्री. आप 2 हफ्ते तो टोटल रिलैक्स. ये हम फिर मशीन से उतारेंगे तो ये कलर उतरेगा. अच्छा, हम लगवा जाएं, घर पे जाके रिमूव कर लें, तो तब भी खराब हो जाएगा या हमें स्पेशल आना पड़ेगा? नहीं, आप देखें, जैसे ये कलर लगा है, मैंने कल किसी इवेंट पे जाना है, मैं घर आ गई हूँ और मैंने रेड कलर लगा लिया, तो आई कैन अप्लाई इट, और ये जब मैं उतारूंगी तो नीचे से यही कलर निकलेगा. इसको कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा. यस, ये कितने दिन तक स्टे कर जाता है या कितने मंथ स्टे कर जाता है? जो एक्रेलिक नेल्स हैं वो तो 3-6 मंथ्स, और जो जेल कलर है जो कंपनीज इनको मैन्युफैक्चर करती हैं वो 14 डेज का टाइम देती हैं. 14 डेज का देती हैं टाइम. ये नेचुरल नेल पे भी लग सकता है और एक्रेलिक पे भी लग सकता है जेल कलर. आपने
जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, क्या ऐसी मिस्टेक्स की वो लोग जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो ना कर सकें? वही मैं शुरू में भी कहने लगी थी, बट वो क्वेश्चन कहीं और चला गया। क्वेश्चन कहीं और चला गया। प्लीज डू व्हाट यू नो योरसेल्फ। स्टाफ तोड़ के आप कहीं और के ट्रेन स्टाफ लेके वो बिजनेस कभी भी आप खड़ा नहीं कर सकते। यू नीड टू नो योर सर्विस एंड कम्पलीटिंग दिस इसी बात को कि वी गिव प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अगर आप नेल बार, नेल सलॉन्स या कुछ ऐसा करना चाहते हैं, चूज अ राइट प्लेस, गेट योर सेल्फ ट्रेन्ड एंड देन ओपन योर नेल सलॉन। सर्विस बेस्ड बिजनेस में आप जाएं, प्लीज लर्न द सर्विस योर सेल्फ एज अ ओनर। और लड़कियां तोड़ के ऐसे करके मेरी बुक में वो ज्यादा देर सर्वाइव ही नहीं कर पाते। सो बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू, लेकिन यू नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड टू यू नो नॉट गिव अप। सो नॉट गिविंग अप इज द की। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी यहाँ पे जरूर आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। इसी तरह और एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।